हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है होममेड रेसिपी विद शशांक भरद्वाज जी के चैनल पे। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज़ बना के दिखाऊंगा जो असम में कॉमन है। वो कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर का भी आदमी समझ सके और उसका मज़ा ले सके। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल है उसको बजाना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, ये फल का नाम है, असम में इसको रबाब तेंगा बोलते हैं, इंग्लिश में स्यादक, हिंदी में अत्यम्ल और बंगाली में जम्बूरा बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग दिखाते हैं आपको। इसको ऐसे सीलना पड़ेगा पहले। देखिए इसको ऐसे सील रहा हूँ हम लोग। ये इजी प्रोसेस है तो जल्दी हो जाएगा इससे। इसका जो व्हाइट कवर है ये अच्छे से सीलना पड़ेगा, नहीं तो बाद में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरह सील लिया है। अभी इसको कैसे सिलता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये फिलहाल कच्चा है, इसका जो पक्का वाला है और भी टेस्टी होता है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं। और आप लोगों को पक्का मिले तो वो खाइए तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको मैंने अभी निकालना शुरू कर दिया। ध्यान रहे इसका जो व्हाइट कलर का सिल्का है वो ना निकले, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। और एक बात है, ये जो बीज है इसको मैंने अलग रखा है, ये अलग रखना पड़ेगा। इसको हटा दिया है तो ये उसके साथ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह आप ये पूरा फल को सील लीजिए अच्छी तरह। देखिए दोस्तों, मैंने ये अच्छी तरह पूरा सील लिया है। इसका जो सिल्का है ये मैं हटा देता हूँ। ये मिक्स हो जाएगा तो बाद में खराब लगेगा खाके, तो इसको मैंने इसलिए साइड कर दिया है। अभी इसके साथ मैंने देखिए पूरा एक एक हो गया है, ये देखिए कैसे अच्छा हो गया, एक एक कर दिया है। इसके साथ अभी मैं हरा पत्ता, हरा धनिया मिक्स करने वाला हूँ। इसमें भी हरा धनिया का मिक्स करूँगा। ये धनिया पत्ता से इसका खुशबू और टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। अभी इसमें मैं ये मिर्चा मिलाने वाला हूँ।
ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करके मिला, ये कौन कितना खाता है, कोई को आप लोगों के हिसाब से डालिए। इसको मैं इसी तरह 7 टुकड़े कर दिया, तभी छोटा छोटा करके इसको इसमें डाल दूंगा। ये हो गया है, अभी आपने स्वाद अनुसार इसमें नमक मिलाइए। नमक आपके स्वाद अनुसार मिलाइए। आप लोग देख सकते हैं अभी ये रेडी हो गया है खाने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ इसका मज़ा उठाने के लिए। आप लोग भी इसे घर पे बना के खाइए, ये बहुत आसान है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए खा के कैसा लगा। लास्ट में दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।